बांध टूटने से पहले शेयर करते तो ठेकेदार के विरुद्ध भी कार्रवाई होती। आपदा है और आपदा से निपटा जाता है, आपदा का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो जन सुनवाई कार्यक्रम लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि सिंह, आप देख रहे हैं NCR समाचार। ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य के मंत्री स्वर्ण कुमार ने एक बहुत बड़ी बातें बोल दी। उन्होंने बताया है कि प्राकृतिक आपदा है जो कहकर आता है ना, इसके लिए राज्य सरकार व्यवस्थाएं करती है। दूसरी एक बड़ी बातें बोल दी है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनता दरबार यानी जन सुनवाई कार्यक्रम और ज़्यादा तेज़ी किया जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री स्वर्ण कुमार का एक खास रिपोर्ट मैं आगे की ओर दिखा रहा हूँ। हर विभाग से संबंधित और जिस विभाग के आज मंत्री यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर ग्रामीण विकास के मंत्री बैठते हैं, यहाँ पर भवन निर्माण विभाग के मंत्री बैठते हैं, आज के दिन शिक्षा मंत्री जी भी बैठते हैं, अभी उनको आने में थोड़ा विलम्ब है, आ ही जाएंगे। तो तीन विभाग से संबंधित तो मामले आते ही आते हैं और जिस विभाग के मंत्री यहाँ पर बैठने की उनकी इंतजामी नहीं है यानी LI पार्टी के मिनिस्टर हैं, उस विभाग से संबंधित भी यहाँ पर मामले आते हैं तो उसका भी हम लोग निष्पादन करते हैं, उसका भी सुनते हैं, उनसे जो भी हो सकता है उनके समाधान के लिए हम लोग करते हैं। तो जन सुनवाई कार्यक्रम लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार कार्रवाई हो रही है और भी इसकी गति को धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं ताकि बिहार की जनता के साथ जो कमिटमेंट है उसको एक एक करके हम लोग को पूरा करना है। सर, एक बहुत बड़ा हिस्सा बिहार का जो है बाढ़ में डूबा हुआ है, 20 सालों से आपकी सरकार है सर, कोई स्थायी समाधान आप लोग पूरी निकाल पा रहे हैं? केवल रिलीफ कार्य होता है, राहत कार्य होता है, मुख्यमंत्री एरियल सर्वे करते हैं और बाढ़ जाती है, बात खत्म हो जाती है सर, कोई स्थायी समाधान हो, कोई बांध हो, कोई डैम का निर्माण हो? देखिए, डबल इंजन की भी सरकार। हाँ देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया है। आपदा है और आपदा से निपटा जाता है, आपदा का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन सरकार हमारी तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी इसका हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहाँ पर बाढ़ में प्रभावित लोग हैं उनको कैसे राहत पहुंचाया जा सकता है, उनको कैसे मदद किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग करते हैं। और नेपाल से पानी जब छोड़ा जाता है तो उसके कारण बिहार के अधिकांश हिस्से में नुकसान पहुंचता है। अभी एक नेपाल के बॉर्डर से बिहार के हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, उनसे अलग से लीजिएगा तो किस तरह से त्रासदी को लोग झेलते हैं। तो जो त्रासदी है उसका हम लोग मुकाबला करते हैं। और डबल इंजन की जहाँ तक बात आपने किया है तो इस बार हम देने के लिए भारत सरकार ने बिहार को बाढ़ से बचाव के लिए भी और बाढ़ से के परमानेंट निदान के लिए भी कैसे हो सकता है उपाय, उसके लिए भी धनराशि भारत सरकार जा रहा है, नहीं पानी जब अधिक आएगा और बांध पुरानी है, 20 साल 25 साल पहले बांध बंधी है और लगातार उस पर निगरानी रखा जा रहा है, लेकिन मैंने कहा आपदा है और आपदा से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। अचानक अगर कोई जा रहा है आदमी एक्सीडेंट कर जाता है, ये आपदा है। अचानक कहीं पानी अभी 5 फीट है और 20 फीट एक ही बार पानी आ जाएगा, तो ये जो आपदा है उससे निपटने के लिए सरकार की तैयारी रहती है, नाव दिए जाते हैं, बचाव कार्य में SDRF NDRF जो भी और स्थानीय स्तर पर जो डाप के परिचालन करने वाले लोग हैं सब लोग लगे रहते हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता उता भी लगे रहते हैं ताकि कहीं से कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है हो, और अधिकारी भी बड़े पैमाने पर इस बचाव में लगे हुए हैं, कहीं से चुप नहीं हो इसकी पूरी कोशिश की। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है जल संसाधन मंत्री को, ठेकेदार जो है बांध में चेक कर देते हैं, अब तो इसकी जांच करानी पड़ेगी। अगर उनको इस बात की जानकारी है तो पुख्ता इसके बारे में सरकार को इतला करना चाहिए, उनको बताना चाहिए
कि बांध में कौन कौन ठेकेदार ऐसे हैं जो इसमें बांध में छेद करते हैं, तो उसकी जानकारी अगर उनके पास है तो मैं समझता हूँ अच्छी जानकारी उनको शेयर करना चाहिए। तो शेयर करते हैं तब जब बांध टूट जाती है, तो बांध टूटने से पहले शेयर करते हैं तो ठेकेदार के विरुद्ध भी कार्रवाई होती और लोगों को परेशानी भी नहीं। अरे भाई, चुनाव विधानसभा का आने वाला है कि नहीं बिहार में, तो दुकान खुलेगा ना? चुनाव के मौके पर बहुत दुकान खुलते हैं। सवाल है कि आप ही के मजबूत सहयोगी थे? नहीं, हमारे कोई सहयोगी नहीं थे, वो राजनीतिकार हैं। कभी बंगाल में ममता जी के पास चले जाते हैं, कभी कांग्रेस के पास वहाँ चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में सब खटिए कम ले कर चला जाता है, कभी साइकिल वाला करते हैं तो कभी साइकिलें ले कर लोग चला जाता है। तो उनका तो जो काम है वो अपना दूसरे टाइप का है, जहाँ से उनको वैकेंसी रहेगी वहाँ मिलेगा, वहाँ पर ठेका मिल जाएगा काम करने का, तो ठेका तो जदयू भी प्रशांत किशोर से ठगी गए हैं? हम क्यों ठगे जाएंगे? सवाल है, हम ठगे नहीं जाते हैं। हमारे पास लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं, हमारा काम पसंद रहता है तो हमारे साथ काम करते हैं, और उनको थोड़ा बहुत लगता होगा कि अब लगता है कि हमारा काम पसंद नहीं है तो निकल जाए। अरे भाई, उत्तर प्रदेश को बदलने गए थे, पूरा खटिया ही लेके चला गया तो पूरा खटिया साफ हो गया तो क्या बदलेंगे? उससे कोई बदलाव नहीं हो सकता है। वो चुनाव जब आ रहा है तो उस दुकान में कुछ आवेदन बंद पड़ेगा, स्क्रूटनी वगैरह होगा, और उसके बाद चुनाव लाउन लड़ेंगे और फिर शटर लग जाएगा और फिर परमानेंट शटर। एक सवाल है सर, प्रधानमंत्री जी हर बात पे पोस्ट करते हैं, बाढ़ बिहार में बाढ़ आई है, क्या माननीय प्रधानमंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री से इसको लेकर कोई बातचीत की है, कोई टेलीफोनिक बातचीत हुई है, उन्होंने इस प्रकार की सहायता राशि? देखिए जब इस तरह के त्रासदी राज्यों में आते हैं तो राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार से बातचीत होती रहती है और उसका हल निकालने के लिए कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा कि सेना का हेलीकॉप्टर काम कर रहा है, तो बगैर बातचीत से नहीं होता, तो बातचीत से इन चीज़ों का हल होता है। और राज्य के खजाने पर हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं, नीतीश कुमार जी, कि जो आपदा पीड़ित है, जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, उसका राज्य के खजाने पर पहला अधिकार है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चिंता और कितनी बड़ी बात है कि आपदा से जो लोग हैं उनके बचाव के लिए जो भी कदम उठाना पड़ता है राज्य सरकार को, वो उठाया जा रहा है, और भी उसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तेज़ी करने की वो भी तेज़ी कर सकते हैं। कहाँ की बातचीत से ही हो रहा है ना? बातचीत नहीं होती तो हेलीकॉप्टर कैसे आता? सेना का हेलीकॉप्टर राज्य सरकार के अधीन है क्या? राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के इन चीज़ों का हल निकालते हैं। बहुत धन्यवाद।